अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र ट्रेडिशनल डिश झुनका। ये कुलिद का आटा है, ये बाज़ार में मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल रहता है, नहीं तो अपन इसको घर में भी बना सकते हैं। ये है गार्लिक, 8-9-10 गार्लिक लेने का, और ये 5-6 ड्राई लीव्स, ग्रीन रेड चिल्ली, क्यूमिन सीड, और ये कोकम एज़ पर योर टेस्ट, जैसा आपको खट्टा चाहिए वैसा। 2 स्मॉल ओनियन लेने का काट के, और ये करी लीव्स। नाउ अभी सब ये मसाले को है ना मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। क्यूमिन सीड, लाल मिर्ची, गार्लिक, थोड़ा सा करी लीव्स पीसने के लिए ये करेंगे। अभी मसाला रेडी हो चुका है जो हमने पीसे है वो। इसके अंदर फर्स्ट पहले ओनियन डालेंगे, करी लीव्स, ये सॉल्ट, थोड़ी जो टर्मरिक पाउडर है थोड़ी सी, हाफ टेबल स्पून वो मसाले में ऐड करेंगे। इसको हाथ से मिक्स करने का, दिस इज अ मराठी एंड कोकणी डिश दैट। हमारे घर में डिश बहुत लाइक करते। मसाला अंदर ऐड करेंगे, ये जो मैं आपको बताई जो कुलिद का आटा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक बताती हूँ आपको, ये मार्केट में अवेलेबल रहता है। इसमें हाफ पैकेट ये करेंगे, थोड़ा सा अंदर तेल डालेंगे 2 टेबल स्पून। All that ingredient mix together. इसमें 1 कप पानी लेंगे, देखो ये इंग्रेडिएंट अभी ये रेडी हो चुका है। इसको मैं स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक चलाऊंगी, और इसके अंदर ऐड करूंगी कोकम खट्टे के लिए एज पर योर चॉइस, इफ़ यू वांट मोर देन पुट मोर। मैं इसके अंदर 5-6 कोकम ऐड करूंगी। अब मैं इसको स्लो, देखो मैं इसको स्लो फ्लेम पे चला रही हूँ, कितनी इसकी मज़ेदार खुशबू आ रही है। वाह, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया बन रहा है ये झुनका। इसे झुनका कहते हैं, कोकनी रेसिपी है ये, बहुत टेस्टी लगती है। इसको जवारी की रोटी के साथ में, गेहूँ की रोटी के साथ में आप सर्व कर सकते हैं। इसको भी 10-15 मिनट थोड़ा इसका ठीकनेस आ जाएगा, फिर हम स्लो फ्लेम करेंगे। देखिए अब ये डिश रेडी हो चुकी है, ये झुनका, इसे रोटी के साथ में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।